राजगढ़ जिले में बना तालाब अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इस गांव में बने तालाब के कारण पिछले 2 माह से घरों के फर्श, दीवारों और गांव की सड़कों पर से लगातार पानी निकल रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों का घर में रहना मुश्किल हो गया है। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील का झरनिया गांव, जहां तालाब लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। करीब 300 लोगों की जनसंख्या वाले झरनिया गांव में तालाब इसी साल 2019 में बना है, पर जब से ये तालाब का पानी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना है। ग्रामीणों की माने तो इस गांव के हर घर में फर्श व दीवारों से पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोगों का घर में रहना, सोना, खाना पीना तक मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से इस गांव के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। कई लोग पानी के कारण गांव छोड़कर यहां से पलायन कर चुके हैं और जो लोग गांव में रह रहे हैं वो पानी की नमी की वजह से बीमार हो रहे हैं। घरों से निकल रहे पानी की वजह से गांव के घरों की नींव भी कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। तालाब की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ घरों बल्कि गांव की सड़कों से भी पानी निकल रहा है। गांव के जिस स्कूल में गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल के कमरे के फर्श ने भी पानी की वजह से धंसना शुरू कर दिया है। पानी की वजह से स्कूल के फर्श और दीवार के बीच दरार दिखने लगी है। पानी की वजह से पूरे गांव के घरों में सिर्फ पानी और कीचड़ दिखाई दे रहा है। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हेमराज, कौन से गांव? क्यों? ग्राम जरनिया का। कितने लोग रहते हैं यहाँ? 300। 300 लोग रहते हैं। कितने मकान है यहाँ? यहाँ 50 परिवार का मकान है सर। अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ? डैम बनने से बहुत मुसीबत आ रही है, धन को मन को बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ बीमार हो रहा है पानी से, ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है पानी से? क्या हो रहा है पानी से? मतलब मकान बैठ रहा है, मकान डल रहा है, मकानों पानी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है पानी? डैम से आ रहा है सर। सबके यहाँ? सबके नहीं आ रहा है, पूरा गाँव में डैम। तो यहाँ पे क्या झरन वरन चल रही है? हाँ सर, झरन चलती है यहाँ। मतलब पानी बहुत आता है, रोटियाँ खाने का भी बहुत मुसीबत हो रहा है यहाँ इस गाँव में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।